अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खलील फरहाद। आज हफ्ता है जुलाई की 27 तारीख, इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम की 20 तारीख। आइए देखते हैं 3 मिनट में तेलंगाना व हैदराबाद की अहम खबर। पुराने शहर हैदराबाद में इलेक्ट्रिसिटी बिलों की वसूली का ठेका अडानी ग्रुप को दिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इससे कबल पुराने शहर के लोगों ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की थी, तो वही अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस पर शदीद एतराज़ व मुखालफत जाहिर की गई है। तेलंगाना असम्बली के जारिया सेशन के दौरान नामपल्ली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा करने पर तवज्जो दे। इस सिलसिले में उनकी पार्टी हुकूमत का भरपूर सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन हैदराबाद ओन सिटी में इलेक्ट्रिसिटी बिलों की वसूली का काम अडानी पावर को हवाले करने के प्रोजेक्ट की हम मुखालफत करते हैं। Our party is opposed to privatization of power sectors, namely the Genco, Transco and to DISCOM in the name of entrusting the power bill collection to Adani Powers in old city of Hyderabad and so-called pilot project. हैदराबाद के मज़ाफ़ात में कुतुब शाही दौर की कदीम मस्जिद को शहीद किए जाने पर तेलंगाना के साबिक होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने काउंसिल में आवाज़ उठाई। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर अंदाज में मुतालबा किया कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो, इसके लिए फौरी इकदाम किए जाए। कुछ दिन पहले 22 जुलाई की रात में मोइनाबाद इलाके चिलकूर के अंदर एक कदीम मस्जिद तकरीबन वकबोट के अंदर मौजूद है, इसका रिकॉर्ड और गजट में भी मौजूद है। 480 गज पर बनी हुई मस्जिद है, उसे मस्जिद को शहीद कर दिया गया और हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई इकदाम नहीं लिया गया। खाली उसको बनाने की बात की गई। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त नज़र रखा जाए जो मजहबी इबादत गाहों को और ख़ास तौर से मस्जिद शहीद करने के बाद काफ़ी रंगारेड्डी और शहर हैदराबाद में काफ़ी बेचैनी है। मैं मुतालबा करना चाहता हूँ कि आइंदा ऐसा इकदाम कहीं ना ले जाए। MLA हरीश राव ने आज असम्बली में हैदराबाद में रात के औकात जल्द दुकानें बंद कराने पर सवाल उठाते हुए कहा जराइम की तादाद में इजाफा हो रहा है और इस पर तशवीश भी है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस लीडरों को ऑफ नॉलेज भी करार दिया। CM रेवंत रेड्डी ने हरीश राव की जानिब से हाफ नॉलेज रिमार्क पर तंजिया अंदाज में कहा कि हरीश राव हाफ नॉलेज हैं जबकि KCR को फुल नॉलेज। इस दौरान उन्होंने हाथ का जो इशारा दिया इस पर असेंबली खैफकहू से बोझत अंदके अध्यक्ष मां वेंकट रेड्डी गारु को माट चेप्पिरु वारिकि हाफ नॉलेज अनि वारिकेमो हाफ नॉलेज పెద్దానికేం ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఇక మేము ఏం చేస్తాం అధ్యక్ష। शहर हैदराबाद के पुराने इलाके में पुलिस की जानिब से रात के औकात में स्पेशल मुहिम के तहत व्हीकल चेकिंग का सिलसिला जारी। रात में ट्रिपल राइडिंग करने वाले, फोन पर बात करने वालों और बिना नंबर प्लेट के गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। ये रही 3 मिनट में तेलंगाना व हैदराबाद की अहम खबरें। नए यूज़र्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफ़िज़।